हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बायोटेक वाली इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एलसीएमएस इन वेरी शॉर्ट एलसीएमएस स्टेंस फॉर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है कॉम्प्लेक्स सैम्पल मिक्सचर से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एल यूज़ करते हैं और एम उस सेपरेटेड कंपोनेंट की जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हमने सेपरेट किया है उसकी आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए एम एस यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए आई मीन टू से ठीक है तो हम जी सी एम एस से ही एल सी एम एस को समझ लेंगे जी सी एम एस की जगह एल सी एम एस जो है वो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए यूज होता है ठीक है और एम एस वही एम एस का प्रिंसिपल सेम रहता है मास टू चार्ज रेशो ठीक है स्टेशनरी फेज एल सी एम एस में सॉलिड रहता है और मोबाइल फेज लिक्विड आ जाएगा ठीक है कंपोनेंट्स जो है एल सी एम एस के जी सी यूनिट की जगह एल सी यूनिट आ जाएगी बाकी जो कंपोनेंट्स से है वो सेम रहेंगे ओवन की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है और डायग्राम में गैस क्रोमेटोग्राफी यूनिट की जगह लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूनिट आ जाएगी और मास एमएस यूनिट सेम रहेगी ठीक है जो यहाँ पे इंजेक्शन uh, बोर्ड है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप एक बार लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वाली वीडियो देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा ठीक है ऐसे ही एल सी एम एस में क्या करते हैं सैंपल यहाँ से इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे करियर गैस की जगह मोबाइल वे सोलवेंट ऑर्गेनिक सोल्वेंट या बफर कुछ भी रहने वाला है ठीक है यहाँ पे दोनों को आ, इंजेक्ट करेंगे उसके बाद ये सैम्पल यहाँ पे मोबाइल फेज यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगा कॉलम के थ्रू जाएगा डिफरेंट एडजॉर्बन रेट के बेसिस पे कुछ मॉलिक्यूल्स एबजॉर्ब हो जाएंगे कुछ एल्यूट हो जाएंगे उसके बाद सैम्पल मैट्रिक्स के पास जाएगा जो सेपरेटेड है और फिर आयन सोर्स जब उसके ऊपर हम आयन सो से किसी से भी रेज डालेंगे जैसे कोई भी लेज़र सोर्स से रेज डालेंगे तो जो आ, मॉलिक्यूल्स होंगे वो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद ये कहां पे मास एनालाइजर के थ्रू पास होंगे जब वहां से पास होंगे तो मास एनालाइजर उन मॉलिक्यूल्स को सॉर्ट कर देगा उनके चार्ज टू मास रेशो के बेसिस पे यानी मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे और उसके बाद डिटेक्टर के पास भेज देगा और डिटेक्टर डिटेक्ट कर देगा